को भेज दो, 2 मिनट फोटो कॉपी करा देगा। आज वार्तालाप कर रहे हैं, क्या मकसद इसका? प्रेस वार्ता का सिर्फ मकसद हमारा एक लाइन का है कि सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी नीति चलाई जा रही है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, और बड़ा अच्छा जैसा शब्द है वैसा ही देखने सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सरकारी नौकर होने के अलावा भी इस देश के एक नागरिक भी हैं, ठीक है, और नागरिक के हैसियत से जब कोई सरकार ये कहती है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, तो किसी भी नागरिक को, किसी भी परिवार को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारा जो बिजली विभाग है वो जीरो टॉलरेंस पे कहीं भी वर्क नहीं कर रहा है। बिजली डिपार्टमेंट के दो ही कार्य हैं, लाइनें, बिजली घर बनाना और उनके माध्यम से आपको बिजली देना। तो जो लाइनें बन गई हैं, जो हमारे बिजली घर बन गए हैं, उसमें बहुत बड़ी इरेगुलरिटीज है जिस पर सब ने आंखें बंद कर रखी है। वो कहीं भी आंखें खोलने को तैयार नहीं है, चाहे आप कितना भी उस चीज़ों को एविडेंस के सामने ले आइए, कोई आपके एविडेंस देखना भी नहीं चाहता। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, उसमें नीचे से लेके ऊपर तक के अधिकारी पता नहीं क्यों मौन है, ये समस्या बाहर है। हमारे संगठन की दो ही मांग है आज मूल रूप से, बाकी हमने अपना ज्ञापन भी दिया हुआ है कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको ईमानदारी से लागू किया जाए, दूसरी जो स्थानांतरण नीति है उसका अक्षरश पालन किया जाए। स्थानांतरण नीति का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ जो लोग मतलब जिनकी कोई अप्रोच नहीं है उनका तो स्थानांतरण किया जा रहा है, जो अप्रोच वाले हैं उन सबको बचाया जा रहा है। यदि गलती से कोई स्थानांतरित हो गया है तो उसका स्थानांतरण संशोधित किया जा रहा है। योगी सरकार में भेदभाव पूर्ण हो रहा है नहीं हो रहा है उस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि हमारे विभाग में जो लोग स्थानांतरण करने के कार्य के जिम्मेदार हैं वो लोग कहीं ना कहीं भेदभाव पूर्ण नीति अपनाए हुए हैं, चाहे उसके लिए उनको गलत सूचना पर कर रहे हों उस कार्य को, या वो जानबूझ के कर रहे हों, ये वही लोग जानते हैं, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। इसका समाधान यही हो सकता है कि सबको एक समान रूप से माना जाए। यदि कोई 15 साल है तो 15 साल पे जिसको जाना है तो जाना है, उस इस विभाग में आया तो वो एक अधिकारी या कर्मचारी है, उसके अलावा वो कुछ नहीं, तो उसको अधिकारी और कर्मचारी के रूप में ही ट्रीट किया जाना चाहिए। उसको कोई विशेषता नहीं दी जानी चाहिए कि ये आदमी विशेष है, ये आदमी विशेष है, उसी के अनुसार अकॉर्डिंगली जो है एक समान रूप से सबका स्थानांतरण होना चाहिए, एक समान रूप से पुष्टि होनी चाहिए। ये नहीं, पिक एंड चॉइस वाली नहीं होनी चाहिए, चूज वाली, कि भाई ये आदमी है, ये आदमी स्टोर में रहेगा, ये आदमी वर्कशॉप में रहेगा, ये आदमी अटैच रहेगा, ये आदमी डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा, उसके अनुसार नहीं। ये आज की तारीख में जब एडवांस टेक्नोलॉजी है, चाहे उसे लॉटरी के द्वारा पोस्टिंग करें, जब आप उसको एक समान वेतन दे रहे हैं तो एक समान कार्य के लिए वो उत्तरदायी है, तो फिर उसमें भेदभाव क्यों? एक समान रूप से पोस्टिंग करिए, क्यों किसी को एक विशेषता दे रहे कि ये आदमी स्टोर में जाएगा और ये वहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा, क्यों जाएगा? आप एक समान लॉटरी निकाल दीजिए, जो जहाँ जा रहा है जाने दीजिए, फिर आप समीक्षा करिए कार्य की, देखिए विभाग क्यों नहीं सही रास्ते पे चलेगा। लेकिन आपने सबको बकौती दे दी है कि भाई मैं तो इसी स्थान पर काम करूँगा और अपनी शर्तों पर काम करूँगा, तो फिर वो तो विभाग हाईजैक, मैंने कर ही लिया वो सिस्टम, जब मैंने हाईजैक कर लिया तो वो तो सिस्टम मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, सरकार के अकॉर्डिंग थोड़ी चलेगा। अब दिक्कत यही है कि ये चीज़ें ऊपर तक नहीं पहुंचती, ये कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों के द्वारा दबा दी जाती है, चाहे आपको ट्रांसफर की धमकी दी जाती है, चाहे आपको दंड की धमकी दी जाती है, किसी ना किसी नाते वो दबा दी जाती है। नहीं, मुख्यमंत्री को नहीं, मैं ऊर्जा मंत्री जी को ज्ञापन देने गया था, वो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अभी मैं देख के आऊँगा दोबारा, लेकिन ये सारी चीज़ लिखित में मैं पहले भी मैं